हेलो फ्रेंड्स, फुटबॉल दुनिया में सबसे ज्यादा खेले और देखे जाने वाला एक खेल है। फुटबॉल को सोकर भी कहा जाता है। फुटबॉल एक मल्टीबिलियन डॉलर इंडस्ट्री है और इस खेल में जो भी खिलाड़ी हाईएस्ट लेवल पर अच्छे प्रदर्शन करते हैं उस खिलाड़ियों को ढेर सारा पैसा भी दिया जाता है। वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट फुटबॉलर्स एवरी ईयर लाखों डॉलर कमाते हैं और इसमें से कुछ खिलाड़ियों ने अरबों डॉलर की संपत्ति भी कमाई की है। एक फुटबॉलर की संपत्ति में कई सोर्सेस होते हैं जिनमें सैलरी, बोनसेस, एडवर्टाइजमेंट और इन्वेस्टमेंट शामिल होते हैं। वर्ल्ड के कुछ सबसे रिचेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स के पास अपने खुद के बिजनेस भी है। ये सब सोर्सेस से एक फुटबॉलर एवरी ईयर ढेर सारा पैसा कमाते हैं। तो आइए देखते हैं 2024 में वर्ल्ड का ऐसे ही टॉप 10 रिचेस्ट फुटबॉलर्स के बारे में। नंबर 10 पे है रोनाल्डो लुइस नाजारियो। रोनाल्डो का नेटवर्थ है 160 मिलियन डॉलर। रोनाल्डो टीम रियल मैड्रिड के लिए फुटबॉल खेलते थे। रोनाल्डो ब्राजील का एक तीसरा सबसे ज्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी है। रोनाल्डो लुइस नाजारियो डी लिमा, कॉमनली नोन एज रोनाल्डो, ब्राजील का एक रिटायर्ड फुटबॉलर रह चुके हैं और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। इन्हें खेल के इतिहास में सबसे महान खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। रोनाल्डो ने अपने शानदार फुटबॉल करियर के दौरान कई रिकॉर्ड्स हासिल की और साथ में बहुत सारा संपत्ति भी अर्जित की। रोनाल्डो ओनली 21 इयर्स एज में फुटबॉल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए थे। नंबर 9 पे है वेन रूनी। वेन रूनी का टोटल नेटवर्थ है 170 मिलियन डॉलर। रूनी टीम डीसी यूनाइटेड के लिए फुटबॉल खेलते थे। रूनी एक रिटायर्ड इंग्लिश प्रोफेशनल फुटबॉलर रह चुके हैं जो स्ट्राइकर के रूप में खेलते थे। रूनी इंग्लैंड के दूसरे सबसे कैप्ड प्लेयर और दूसरे सबसे गोल करने वाले खिलाड़ी रह चुके हैं। नंबर 8 पे है काइलियन एम्बापे। एम्बापे का टोटल नेटवर्थ है 180 मिलियन डॉलर। टीम लीग वन क्लब पेरिस सेंट जर्मेन एंड फ्रांस के लिए फुटबॉल खेलते हैं। काइलियन एम्बापे एक फ्रांस प्रोफेशनल फुटबॉलर है जो लीग वन क्लब पेरिस सेंट जर्मेन एंड फ्रांस नेशनल टीम के लिए फॉरवर्ड के रूप में खेलते हैं। एम्बापे को दुनिया के बेस्ट प्लेयर में से एक और अपनी जनरेशन के सबसे रोमांचक यंग खिलाड़ी में से एक माना जाता है। नंबर 7 पे है ज्लातन इब्राहिमोविक। इब्राहिमोविक का टोटल नेटवर्थ है 190 मिलियन डॉलर। टीम स्वीडन के लिए फुटबॉल खेलते हैं। स्वीडिश फुटबॉलर ज्लातन इब्राहिमोविक सीरी ए क्लब एसी मिलान एंड स्वीडन के नेशनल टीम के लिए एक स्ट्राइकर के रूप में खेलते हैं। इब्राहिमोविक जो बार्सिलोना, इंटर मिलान, पेरिस सेंट जर्मेन, मैनचेस्टर यूनाइटेड, एलए गैलेक्सी एंड एसी मिलान के लिए खेल चुके हैं। फुटबॉल के इतिहास में ये अब तक के सबसे महान स्ट्राइकर है। इब्राहिमोविक ने 2002, 2006, 2010 और 2018 में स्वीडन को फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने में हेल्प की है। नंबर 6 पे है नेमार जूनियर। नेमार का टोटल नेटवर्थ है 200 मिलियन डॉलर। टीम ब्राजील के लिए फुटबॉल खेलते हैं। नेमार दा सिल्वा सैंटोस जूनियर, नोन एज नेमार जूनियर और सिंपली नेमार के नाम से इन्हें जाना जाता है, ये एक ब्राजीलियन प्रोफेशनल फुटबॉलर है जो लीग वन क्लब पेरिस सेंट जर्मेन एंड ब्राजील की नेशनल टीम के लिए फॉरवर्ड के रूप में खेलते हैं। नेमार ब्राजील के ऑल टाइम ग्रेटेस्ट फुटबॉलर है और साथ में ब्राजील के लिए 100 कैप्स तक पहुंचने वाले सबसे यंग खिलाड़ी है। नंबर 5 पे है डेब वेलन। इनका टोटल नेटवर्थ है 210 मिलियन डॉलर। टीम ब्लैकबर्न रोवर्स एंड क्लीव अलेक्जेंड्रा के लिए फुटबॉल खेल चुके हैं। डेब वेलन एक इंग्लिश फुटबॉलर है जो एक विंगर के रूप में खेले थे। उनका जन्म 24 नवंबर 1936 को इंग्लैंड के ब्रेडफोर्ड में हुआ था और उन्होंने अपने करियर के दौरान ब्लैकबर्न रोवर्स एंड क्लीव अलेक्जेंड्रा के लिए खेले थे। 1966 में उन्होंने प्रोफेशनल फुटबॉल से रिटायर्ड ले लिया और बाद में वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए। नंबर 4 पे है डेविड बेकहम। बेकहम का टोटल नेटवर्थ है 450 मिलियन डॉलर। टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए फुटबॉल खेल चुके हैं। डेविड बेकहम एक प्रोफेशनल फुटबॉलर था जो अटैकिंग मिडफील्डर के रूप में खेलते थे। इन्हें अपनी जनरेशन के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स में से एक माना जाता है और ये खिलाड़ी वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर एथलीटों में से एक है। डेविड बेकहम मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड, एलए गैलेक्सी, एसी मिलान एंड पेरिस सेंट जर्मेन के लिए खेले और ढेरों सारे ट्रॉफी जीते हैं। बेकहम 2013 में प्रोफेशनल फुटबॉलर से रिटायर्ड ले लिया। नाउ ही इज करेंटली फोर्थ रिचेस्ट फुटबॉलर इन द वर्ल्ड। नंबर 3 पे है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रोनाल्डो का टोटल नेटवर्थ है 500 मिलियन डॉलर। टीम पुर्तगाल एंड अल नसर के लिए फुटबॉल खेलते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक पुर्तगीज फुटबॉलर है और ये पुर्तगाल की नेशनल टीम के लिए खेलते हैं और पुर्तगाल के कैप्टन भी है।
रोनाल्डो सऊदी अरब के क्लब अल नसर के लिए भी फॉरवर्ड के रूप में खेलते हैं। इन्होंने 5 बैलों डी ओर अवार्ड जीते हैं, जो किसी यूरोपियन प्लेयर द्वारा जीता सबसे अधिक अवार्ड्स है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंटरनेशनल फुटबॉल में ऑल टाइम लीडिंग हाईएस्ट गोल करने वाले प्लेयर भी है। इन्हें ऑल टाइम के लिए एक ग्रेटेस्ट फुटबॉल प्लेयर में से एक माना जाता है। नंबर टू पे है लियोनेल मेसी। मेसी का टोटल नेटवर्थ है $600 मिलियन। टीम अर्जेंटीना एंड पेरिस सेंट जर्मेन के लिए फुटबॉल खेलते हैं। लियोनेल मेसी वाइडली कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर्स ऑफ ऑल टाइम। मेसी एक अर्जेंटीना के प्रोफेशनल फुटबॉलर है, साथ में ये लीग वन क्लब पेरिस सेंट जर्मेन के लिए फॉरवर्ड के रूप में भी खेलते हैं। मेसी अर्जेंटीना के नेशनल टीम के कैप्टन भी है। ये $600 मिलियन की संपत्ति के साथ वर्ल्ड के दूसरे सबसे रिचेस्ट फुटबॉलर है। फाइनली नंबर वन पे है फैक बोलकिया। बोलकिया का टोटल नेटवर्थ है $20 बिलियन। टीम चोनबुरी एफसी एंड थाईलैंड के लिए फुटबॉल खेलते हैं। फाइक बोलकिया एक ब्रूनियन प्रोफेशनल फुटबॉलर है, जो चोनबुरी एफसी और थाईलैंड नेशनल टीम के लिए विंगर के रूप में खेलते हैं। बोलकिया दुनिया के सबसे रिचेस्ट फुटबॉलर है। बोलकिया 2014 से ब्रुनेई की नेशनल टीम में शामिल है और 2018 से टीम की कैप्टन भी है। ये ब्रुनेई की राजकुमार भी है। फ्रेंड्स, तो ये रहा 2024 का टॉप 10 रिचेस्ट फुटबॉलर्स के लिस्ट। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को एक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।